अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल द ब्यूटी वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए ये फ्लावर जो कि एक रेशे से बना हुआ है और ये हमने बनाया है, इसका तरीका भी हम आपको बताएंगे बनाने का। आप देख सकते हैं व्यूवर्स, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इसको हम मुख्तलिफ स्टाइल से अपने ड्रेसेस पर यूज़ कर सकते हैं, एज अ बटन भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको चौक दामन में किसी भी तरीके से हम अपने ड्रेस पर इसको यूज़ कर सकते हैं। कितनी खूबसूरती से ये हमने बनाया है व्यूवर्स, आप चेक कर सकते हैं। तो आपको मैं आज इसका तरीका सिखाऊंगी कि ये किस तरीके से बनता है, और अगर आपको ये पसंद आए तो आप हमें बताइएगा ज़रूर। व्यूवर्स, ये देखें, ये दूसरा डिज़ाइन में हमने ये बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये डबल शेड में हमने ये जो ऊन का धागा होता है ये हमने उससे बनाया है, जो बारीक ऊन ईजिली मिल जाती है, और ये वाइट कलर में आप देख सकते हैं। ये भी हमने इसी तरीके से बनाया है क्रोशिया से। और अब मैं आपको एंकर के धागे से बनाना बताऊंगी इसका, कि किस तरीके से बनता है। ये देखिए, ये एंकर थ्रेड है, जहाँ से ये ड्रेस पेपर लेसेस वगैरह मिलती हैं वहाँ से ये इजीली मिल जाता है आपको। तो व्यूवर्स, आज ये आप लोगों के लिए चैलेंज लेकर आई हूँ मैं, कौन ये जो है सीकर हमें सबसे पहले बनाकर दिखाएगा। ये देखिए, जस्ट आपको ये चाहिए होगा, ये क्रोशिया जो है आप देख सकते हैं, इस टाइप का क्रोशिया। आप जहाँ से थ्रेड लेंगे, जिस शॉप से, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। आपको एक सीज़र चाहिए होगी, क्रेशिया और थ्रेड। ये देखिए, सबसे पहले आपने इसको फिंगर पर इस तरह से राउंड राउंड आपने इसको थोड़ा सा लपेटना है, और नीचे से आपने ये जो है आप देख सकते हैं इस तरह। ये देखिए व्यूअर्स, ये सबसे पहले जो है गौर से देखिएगा व्यूवर्स, ये आप लोगों के लिए चैलेंज है कि कौन हमें हमसे ये सीखता है और कौन सबसे पहले हमें ये इस तरीके से बना के दिखाएगा। ये इतना मज़े का काम है व्यूवर्स, जब आप करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो जब आप बनाने लगेंगे तो आपको उसके और बहुत सारे डिज़ाइंस खुद ही आपके माइंड में आते रहेंगे, और बहुत तरीके से ये और बहुत सारे डिज़ाइंस के साथ हम ये बना सकते हैं। बच्चों की फ्रॉक की पेटी भी हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये हम फ्लावर्स एज अ बटन हम इसको बना रहे हैं अपने ड्रेस के लिए। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखें, इसको अब राउंड करने के लिए हमने पहले जहाँ से लिया था टांग का, ये देखें, वहाँ से हमने लिया है ताकि ये इसका सेंटर का जो हॉल है वो रेडी हो जाएगा इस तरह से। और इस तरीके से जो है आपने बना बना कर तो आप इसकी फ्लावर की पेटल्स बनाएंगे। हम डबल शेड में आपको ये बनाकर दिखाएंगे भी बस। मैं आपको इसकी फ्रॉक की पेटी भी आपको इंशाल्लाह बनाकर दिखाऊंगी। जैसे ये फ्लावर बनता है, इसी तरीके से हम जो यॉक, हम अपने फ्रॉक की भी यॉक बना सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक लगेगी व्यूअर्स, और बहुत ही प्यारी लगेगी, और ये काम भी ऐसा है जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। तो अगर आपके घर में कोई बच्ची है तो आप उसके लिए भी इसकी यॉक भी बना सकते हैं, और वैसे भी इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। दुपट्टे पर इसकी किनारी भी बन सकती है, तरीके से हम स्लीव्स पर, दामन पर, और किसी भी तरह से हम अपने ड्रेस पर ये इस तरह का काम कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको ये हमारा काम पसंद आए तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से कर दें, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर फैशन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है, और फैशन न्यू और लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है, और बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन व्यूवर्स, और बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ, ड्रेसेस के, ट्राउज़र्स के, स्लीव्स के, नेक डिज़ाइन, और ट्यूटोरियल भी अब मैं डालती हूँ अपने चैनल पर। मेरी कोशिश यही होती है कि हमारे व्यूवर्स जो सीखना चाहें तो हम उनको सिखा सकें अपने इस चैनल पर। तो इंशाल्लाह व्यूवर्स, मैं आपके लिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग और बहुत प्यारे प्यारे से ट्यूटोरियल्स की वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जिन लोगों को ये काम आता है व्यूवर्स, वो बहुत इजीली समझ जाएंगे कि ये डिज़ाइन किस तरीके से बन रहा है,
जो नया हमारा होगा बनाने वाला वर्कर, तो उसको हो सकता है इतनी आसानी से समझ ना आए, लेकिन आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। व्यूअर्स, आपकी कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप हमें ज़रूर बताइएगा व्यूअर्स कि आपको ये कैसा लगा हमारा आज का काम, और पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा व्यूअर्स, और हमारी हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। वैसे काम थोड़ा स्पीड से हो रहा है, तो इसलिए आपको बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है कि ये किस तरीके से हो रहा है व्यूवर्स। ये देखिए बस, अब हमारी एक पेटल रह गई है इसको बनाने के लिए, लास्ट पेटल। उसके बाद जो है हम इसमें दूसरा कलर ऐड करेंगे। ये देखिए बस, ये एंकर का थ्रेड जो है हमने ये बनाया है इसकी मदद से। इसके कलर्स बहुत प्यारे होते हैं, और इसके कलर जो है ऐसे होते हैं कि वो वॉशेबल भी होते हैं, वॉश करने के बाद उनका कलर नहीं निकलता, इसलिए हम जो है हमने ये एंकर थ्रेड यूज़ किया है इस वीडियो में। इसके अलावा व्यूवर्स, आप ये ऊन के थ्रेड से भी बना सकते हैं। ऊन के थ्रेड से आप बनाएंगे तो बहुत जल्दी से आपका फ्लावर रेडी हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो वाइट और जो डबल शेड में हमने बनाया हुआ है मेहरून और सी ग्रीन कलर में, वो हमने ऊन के धागे से बनाया है, और ये हम जो है थ्रेड एंकर थ्रेड से बना रहे हैं। इसके बाद ये इस तरह से आपने पक्का करना है इसको व्यूअर्स, यहाँ पर। एम्ब्रॉयडरी एक ऐसा हुनर है व्यूवर्स, जिसे आप घर में बैठकर आराम से सीख सकते हैं, और एम्ब्रॉयडरी के बहुत सारे पैटर्न्स डिज़ाइंस होते हैं और बहुत टाइप की होती है। लेकिन ये जो है क्रेचे का काम, ये बहुत ही कम लोग करना जानते हैं, और इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्यूवर्स, ताकि आप इसे देखें और सीख सकें। व्यूवर्स, अब हम इसमें दूसरा कलर ऐड करेंगे, ऑरेंज कलर हमने लिया है ब्लू के साथ। देखें जो हमने ये छोटा सा, सबसे पहले आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ये किस तरह से लेना है हमने इसमें। जैसे हमने वो नीचे वाला पैटर्न बनाया है, उसी तरीके से हमने ये ऑरेंज बनाना है। इसे हमारा फ्लावर में डबल शेड आ जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा इसे।
व्यूअर्स, 100 पेटल्स हमने तकरीबन इसको बनाने में 1.5 मिनट, 1 मिनट से भी कम लगा होगा। तो इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता व्यूअर्स, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी इसको बनाने के लिए, और बहुत ही आपको मज़ा आएगा जब भी आप बनाने लगेंगे। तो आप इसके बनाने के भी बहुत सारे स्टाइल और डिज़ाइन होते हैं व्यूअर्स अलग अलग, अगर आप सीखना चाहेंगे तो हम आपको दूसरे डिज़ाइन भी इसमें दिखा देंगे। सबसे पहले आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है फ्लावर, उसके बाद अगर आप सीखना चाहेंगे तो आप हमें हम आपके लिए वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे और डिज़ाइन इसके। देखिए व्यूवर्स, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने वाला है, और तो व्यूवर्स अगर आपको ये डिज़ाइन हमारा आज का पसंद आया है इस फ्लावर का, तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा व्यूवर्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपने नहीं किया तो। ये देखिए व्यूवर्स, कितनी जल्दी जो है ये ऑरेंज कलर इसमें ऐड हो गया है, और हमारा ये कंप्लीट होने वाला है, लास्ट पेटल इसकी रह गई है अब। ये देखिए व्यूवर्स, आप ये कंप्लीट हो गया है हमारा, इसके बाद हमें इसको ऐसे कट कर देना है। और ये देखिए व्यूवर्स, हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है व्यूवर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा व्यूवर्स, तो अगर आपको ये पसंद आया है व्यूवर तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दें, क्योंकि आपको इस तरह से बहुत प्यारी प्यारी सी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी, इंटरेस्टिंग और बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग। अपना ख्याल रखिएगा व्यूवर्स, दुआ में याद रखिएगा, और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।